नमस्कार शिक्षार्थियों, आज के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की परिचर्चा जिला स्तरीय शैक्षिक संस्थानों डाइट बीआरसी सीआरसी क्या हैं, इनकी स्कूली शिक्षा के उन्नयन में क्या भूमिका है, इस पर केंद्रित है। और आज हमारे बीच डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी, जो कि मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार के प्रधानाचार्य हैं, हमारे बीच हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप शैक्षिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास काफ़ी लंबा व्यवहारिक अनुभव है। मैं सर्वप्रथम आपसे शिक्षार्थियों के माध्यम से यह प्रश्न रखना चाहता हूं कि डाइट क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या है और इसकी क्या भूमिका है। यह जो जिला स्तरीय तीन संस्थाओं की चर्चा आपने की सोमू जी, ये तीन संस्थाएं एक तरह से आई तो अस्तित्व में अलग अलग कालखंडों में हैं, लेकिन इनका आपसी रिश्ता बहुत ही आवश्यक और मजबूत है। पहली संस्था जिसे हम जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह डाइट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं। इसकी स्थापना वास्तव में 1986 की नई शिक्षा नीति के सिफारिशों के आधार पर किया गया, और इसकी स्थापना किस तरह से होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, इसके निर्धारण के लिए जो दस्तावेज निकला उसे हम पिंक बुक के नाम से जानते हैं। चूँकि उसका आवरण पिंक रंग का था इसलिए उसे हम पिंक बुक के नाम से जानते हैं, और वहाँ से हमें जो सूचना मिलती है कि इसके स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या था, डाइट क्यों स्थापित किए गए और स्थानीय स्कूली शिक्षा में या राज्य की स्कूली शिक्षा में इनकी क्या भूमिका है, यह जानने के पहले हमें डाइट को जान लेना चाहिए कि डाइट क्या है। डाइट वास्तव में जिला स्तर पर बनी हुई एक ऐसी संस्था है जो शिक्षाई नियोजन, शिक्षाई नीतियों के क्रियान्वयन और शिक्षकों के वृत्तिगत उन्नयन के लिए जिम्मेदार संस्था है। यानी यह एक तरफ तो ऊपर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ और अपने बाद की इकाई प्रखंड संसाधन केंद्र और संकुल संसाधन केंद्रों के साथ जुड़कर काम करने वाली ऐसी कड़ी है जो इन दोनों को, यानी जमीन से राज्य को जोड़ने का कार्य करने वाली यह एक मध्यस्थ संस्था है। इसके स्वरूप निर्धारित हैं। जब डाइट की स्थापना हुई थी तो तब इसमें 7 विभाग बनाए गए थे। एक तो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा का विभाग था, कार्यानुभव था, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा का विभाग था, जिला संसाधन इकाई थी, क्योंकि जब यह बना था उस समय बहुत जोर शोर से भारत में साक्षरता अभियान चल रहा था और RTE नहीं आया था, इसलिए DRU जो बहुत महत्वपूर्ण एक इकाई थी उसकी स्थापना यहाँ की गई और डाइट को यह काम सौंपा गया कि वह जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा है उसकी भी देखभाल करें। शोध, अंतःक्रिया, नवाचार इनके मुख्य कार्यों में शामिल था। तो डाइट के यह जो 7 विभाग थे, इनके संचालन के लिए हर विभाग में एक विभागाध्यक्ष और संपूर्ण डाइट के संचालन के लिए एक प्रधानाचार्य यहाँ कार्यरत होते हैं। डाइट का के महत्वपूर्ण कार्यों में पाठ्यचर्या सामग्री विकास एवं मूल्यांकन भी शामिल है। पाठ्यचर्या सामग्री विकास का अर्थ यह है कि शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में लगातार ये कहा जाता रहा है कि शिक्षा को अपने परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। तो परिवेश से जोड़ेगा कौन? जब आप राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करते हैं तो पूरा राष्ट्र आपके सामने होता है, जब आप राज्य स्तर पर बात करते हैं तो आपके सामने संपूर्ण राज्य होता है। तो एक ऐसी छोटी इकाई जहाँ से स्थानीय परिवेश को पहचानने में सुविधा हो, उस हिसाब से डाइट को यह भूमिका दी गई कि वे स्थानीय स्तर को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के परिवेश को ध्यान में रखते हुए, जो निर्धारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा या पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकें हैं उसको और मजबूती देने के लिए या उसको और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए, कक्षाओं में उसको उतारने के लिए स्थानीय सामग्रियों का विकास किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण काम है जो डाइट करता है। यानी डाइट स्थानीय स्तर पर ऐसी सामग्रियों के विकास के लिए भी जिम्मेदार है
जो वहाँ के बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने में सहायक हो या वहाँ के शिक्षकों की सहायता कर सके बच्चों के पठन पाठन में अध्ययन अध्यापन को मजबूती देने में। डाइट की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि वह अपने शिक्षाई समस्याओं के क्षेत्र की पहचान करें, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां हमारा ज़िला किसी न किसी शिक्षाई समस्या से ग्रस्त है, क्योंकि जिला ही वह ऐसी इकाई है जहां आके स्कूल या संकुल अपनी पहचान कायम रख सकते हैं। राज्य तक पहुंचते पहुंचते तो एक स्कूल एक आंकड़ा हो जाता है, वो अपनी पहचान नाम गुम जाएगा जैसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिला पर ही उन स्कूलों की पहचान की जा सकती है, उन स्कूलों की समस्याओं को जाना जा सकता है, क्योंकि राज्य स्तर पर जब हम देखते हैं तो यह कहते हैं कि भवनहीन विद्यालयों की संख्या इतनी, एक शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या इतनी, तो विद्यालय संख्या हो जाता है। लेकिन जब आप डाइट पर उसकी पड़ताल करते हैं या डाइट जैसी संस्थाएं हमारे पास होती हैं तो हम ये जान पाते हैं कि अमुक विद्यालय जहां हमें अभी कुछ कमरों के निर्माण की ज़रूरत है, जहां हमारे पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है, तो यह जो पहचान है संस्थाओं की इसे कायम रखना भी डाइट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और एक कार्य जो इधर डाइट ने बड़ी ही मजबूती के साथ लगभग पूरे देश में किया है वह है शिक्षकों के साथ मिलकर क्रियात्मक शोध का संचालन। अभी तक हम ये मानते थे कि जो भी शिक्षा की समस्या है या कक्षाओं की समस्या है इसका समाधान तो सब बाहर से ही आ सकता है, लेकिन डाइट की स्थापना के बाद यह मन बना एक तरह से कि जो शिक्षाई समस्याएं हमारी हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उनके समाधान करने के लिए भी हम अपने शिक्षकों को तैयार करें। और क्रियात्मक शोध वास्तव में अपने एक बदले हुए रूप में डाइट ने प्रस्तुत किया। जो अकादमिक विमर्श वाला एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध था उसका एक कार्यकारी रूप कि कैसे कार्यरूप में परिणित करें, एक तरह से डाइट ने यह तय किया कि हमारे लिए तो क्रियात्मक शोध वही है जो समस्याओं की पहचान, समस्याओं के कारणों से जान पहचान और समस्याओं के समाधान तक पहुंचता है। यानी यदि समस्याओं का समाधान नहीं हम कर पाते तो फिर उनके लिए वैसे क्रियात्मक शोध का कोई निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिशनर तो शिक्षक है, बिल्कुल उस समस्या को फेस कर रहा है, बिल्कुल वही ये कारण अच्छे से खोज पाएगा कि आखिर यही बच्चा क्यों विद्यालय लेट आता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे लेस करना बिल्कुल खोजने में और उसकी समस्या के समाधान में, हाँ, दोनों में। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं पठन पाठन की भी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए अब शून्य की अवधारणा आपको कक्षा 3 या 4 में जैसे देनी हो तो बहुत ही कठिन काम होता है ये किसी भी स्तर के लिए कि बच्चों तक शून्य को कैसे पहुँचाएँ। अब शून्य तक पहुंचाने के लिए कुछ शिक्षकों ने हो सकता है क्रियात्मक शोध किया, उसमें सफलता मिली, तो आपसी चर्चा के माध्यम से भी ये बात निकल के आ सकती है कि हमारे क्षेत्र विशेष में शून्य की अवधारणा यदि बच्चों तक पहुंचानी है तो हमारे पास एक विधि यह भी है। तो जिला स्तर पर ऐसे क्रियात्मक शोधों का आपसी आदान प्रदान करना भी डाइट की एक महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल है। शिक्षा में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। अब मान लीजिए कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के बाद 2005 आई और उसके आधार पर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा जब हम यह चर्चा करने लगे कि शिक्षा को या पढ़ाई लिखाई को स्कूल की परिधि के बाहर भी ले जाओ, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ो। ऐसी स्थिति में डाइट के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया कि ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने का जो व्याख्याकार है, जो उसकी व्याख्या करने वाला है जिला स्तर पर, वो डाइट ही है। यह जानकारी यह देना शिक्षकों को कि ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने का क्या मतलब है, या शिक्षकों का यह मन बनाना कि बच्चे सिर्फ विद्यालय में नहीं सीखते, ऐसा नहीं है कि हम पहले ये नहीं मानते थे, लेकिन यह स्वर थोड़ा और तेज हुआ जब हमने यह कहना शुरू किया कि बच्चे सिर्फ 6 घंटे में विद्यालय में नहीं सीखते बल्कि सीखने के विविध अवसर हैं जहां बच्चे सीखते रहते हैं और समाज में इनके लिए बेहतर अवसर हो सकते हैं सीखने के। तो ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने का मतलब यह है कि आप अपने दरवाजे को इस तरह से खोल के रखिए ताकि आपके आसपास जो पसरा हुआ देशज ज्ञान है
वह भी आपके भीतर प्रवेश कर सके और आ सके, ताकि हम मान सकें कि यह जो बाहर की दुनिया है इसमें भी ज्ञान के कुछ तत्व हैं। यानी हमने जो काम की दुनिया का ज्ञान था उसको बिल्कुल अलग कर दिया। तो डाइट की एक भूमिका यह भी मेरी दृष्टि में है कि वहाँ स्थानीय स्तर पर जो काम की दुनिया से उपजा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को आप ज्ञान के सृजन के दायरे में शामिल करें। और वो कैसे शामिल किया जा सकता है, यह स्थानीय स्तर पर डाइट ही कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है डाइट की। साथ ही साथ आपको याद होगा कि TLM का एक बड़ा दौर चला है, जब हम लोग काफ़ी चर्चा का विषय प्राथमिक शिक्षकों में रहा है। तो यह जो TLM का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, शैक्षिक सहायक सामग्रियों के निर्माण का, हालांकि हम लोग प्रशिक्षणों में, अध्यापक शिक्षा में इस बात की चर्चा करते हैं और आवश्यक भी समझते हैं, जब विशेष करके जब शिक्षण अभ्यास के लिए हमारे प्रशिक्षु जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह जो विविध तरह की सामग्रियों का, शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना था, वह डाइट की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें केवल TLM मेला लगा देना नहीं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि एक डाइट में मुझे यह बताया गया कि एक बहुत ही बढ़िया मॉडल रखा हुआ था, और मुझे लगा कि नहीं, इसे तो पुरस्कृत होना चाहिए। तो मुझे वहाँ के एक संकाय ने कहा कि सर, लेकिन इसको देखने से लगता है कि यह अभी बनाया गया है। तो मैंने कहा, लग तो रहा है कि अभी बनाया गया है। तो हमारे लिए TLM वह नहीं है जो ताज़ा हो बिल्कुल, हमारे लिए TLM वह है जिसका उपयोग किया गया हो। जो उपयोग में नहीं आया उसको थोड़ी परेशानी हमको होती है कि मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री माने या न माने। तो मैंने उनको कहा कि हो सकता है उसकी प्रतिछवि हो, आप मान लीजिए। लेकिन डाइट ने इस स्तर पर भी, इस तरह के नज़रिए के साथ भी काम किया कि यदि चीज़ें बन रही हैं तो उनका प्रयोग हो रहा है कि नहीं। और TLM केवल इसलिए नहीं बना देना है कि TLM बनाना है, TLM प्रभावकारी कैसे होगा, ये चर्चा का विषय रहा है। और डाइट में ऐसा किया जाना चाहिए। डाइट सिर्फ TLM बनाने की एक फैक्ट्री नहीं है जहाँ TLM उत्पादित कर दिया जाए, बल्कि वास्तव में डाइट तो TLM निर्माण या विकास या उसकी ज़रूरत को चिन्हित करने के लायक हमारे शिक्षकों को बना सके, यह उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं खैबर दर्रे से बाबर का इस देश में आना, और नक्शा आपने ऐसा टांग रखा है जिसमें खैबर दर्रा का दर्शन ही नहीं होना है, तो ऐसा नक्शा क्यों टांगना है भाई, ऐसा TLM क्यों रखना है? तो इस तरह के बचाव वाले नज़रिए भी जो हैं वो डाइट को करने चाहिए और अपने शिक्षकों तक ले जाने चाहिए, जिससे शिक्षक दृष्टि संपन्न बने और उनको एक नए नज़रिए से अपनी कक्षाओं में जाने का मौका मिले। निश्चित तो, रूप से ये जो डाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन केंद्र है, जो एक नई दृष्टि से उनको आलोकित करता है शिक्षकों को। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो हमारा ब्लॉक संसाधन केंद्र है, या जिसको हम खंड संसाधन केंद्र या CRC के नाम से जानते हैं, BRC के नाम से जानते हैं, CRC संकुल, तो ये क्या है और इसका इसका जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है, एक शिक्षक किस तरीके से इससे जुड़ता है, और ये एक डाइट से किस तरह जुड़ता है, इस पर हम चाहेंगे थोड़ा प्रकाश आप डालें। अब डाइट के बाद यह जो दूसरी संस्था जिस पर हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, वह BRC या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है, जिसे हम खंड संसाधन केंद्र या कुछ राज्यों में प्रखंड संसाधन केंद्र भी कहते हैं। समय के हिसाब से यदि हम देखें, इन शैक्षिक संस्थाओं के विकास को एक मिनट में हम इस तरह से समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जहां NCERT 1961 में अस्तित्व में आया, वहीं हमारी SCERTs 1979 में अस्तित्व में आई, 80 के एक साल पहले। 86-87 में हमारे डाइट अस्तित्व में आए, और DPEP के आने के समय, मतलब हम मान सकते हैं कि 92-93 के बाद, 1992-93 के बाद BRC और CRC अस्तित्व में आए। तो जैसे जैसे हमारा फोकस स्कूली शिक्षा की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि यह भी हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी के तुरंत बाद हमने सबसे पहले विश्वविद्यालयों की चिंता की, इसलिए राधाकृष्णन आयोग बना, फिर हम उच्च विद्यालयों की तरफ गए जब मुदालियर आयोग बना, और अंत में जाके संपूर्ण शिक्षा को जानने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो वैसे में स्कूली शिक्षा की तरफ यह जो समय है, जो दौर है, यशपाल कमेटी का गठन होता है,
शिक्षा बिना बोझ के की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और विश्व बैंक संपोषित योजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश के कई राज्यों में, विशेष करके जो शैक्षिक रूप से स्कूली शिक्षा में पिछड़े हुए राज्य हैं थे, वहाँ शुरू किया गया। तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमें बहुत नियोजित ढंग से ऐसे शैक्षिक संस्थाओं का विकास करना होगा जो सीधे सीधे स्कूल के साथ संवाद कर सकें, क्योंकि यह वह दौर है जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने की चुनौती हमारे सामने है। यह मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब RTE अभी तक स्थान नहीं पा सका था भारतीय संविधान में, लेकिन चर्चाओं के केंद्र में था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय कर ही दिया था कि बेहतर जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, डाइट और CRC, ये आए तो अलग अलग कालखंड में भले ही थे, लेकिन इन सब के सामने वो स्थानीय शिक्षाई चुनौतियाँ थीं जिनके समाधान के लिए इनका गठन किया गया। BRC की स्थापना, जो हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं उनको शैक्षिक मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए किया गया। एक प्रखंड में जितने भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं, जिन्हें अब आप समेकित रूप से प्रारंभिक विद्यालय कह सकते हैं, यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई जिन विद्यालयों में होती है, इनमें कार्यरत सभी शिक्षक BRC के सीधे सदस्य होते हैं, उनको किसी बाह्य मीडिया की ज़रूरत नहीं है। और आमतौर पर एक प्रखंड में 100 या 150, 125 गाँव हैं, और हर गांव में एक स्कूल है, तो समझ लीजिए कि इतने स्कूलों के शिक्षक और एक शिक्षा विभाग के जो खंड या प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं वो इसके समन्वयक होते हैं, जिन्हें हम लोग खंड या प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक कहते हैं। हर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर कम से कम 3 अलग अलग विषयों के, भाषा विज्ञान और गणित और समाज विज्ञान के विशेषज्ञों का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यदि आप किसी तरह का अकादमिक सहयोग अपने शिक्षकों को देना चाहते हैं तो आपके पास उस तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो BRC में ये 3 लोग रहने चाहिए ताकि स्थानीय शिक्षकों को इन 3 विभिन्न विषयों में यदि किसी तरह की आवश्यकता होती है तो वो इनकी मदद कर सकें। हालांकि BRC की स्थापना DPP के समय हुई थी और उस समय इनके जिम्मे बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपे गए थे, उस समय जो माइक्रो प्लानिंग का दौर चला था, सूक्ष्म नियोजन का या विलेज मैपिंग का, गांव में बैठकर योजनाएं बनाना, इसकी मॉनिटरिंग वास्तव में BRC ने तब की थी। हालांकि जिला स्तर पर मुख्य रूप से जिम्मेदार संस्था डाइट ही थी, लेकिन प्रखंड स्तरों पर इस काम को जमीन तक ले जाने में BRC की महत्वपूर्ण भूमिका थी। BRC पर आने के बाद स्कूल और भी स्पष्ट रूप में खड़ा मिलेगा आपको, किस स्कूल में 4 दीवारी की ज़रूरत है, कहाँ अतिरिक्त वर्ग कक्ष चाहिए, कहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, कहाँ शौचालय नहीं है, कहाँ किस विषय के शिक्षक नहीं है। तो प्रखंड स्तर पर यह एक ऐसा केंद्र है जहाँ बैठकर हम अपने स्कूलों को और करीब से देख सकते हैं और उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। ऐसे में जब भी एक प्रखंड के आंकड़ों का संकलन करना होता है तो हम BRC की सहायता लेते हैं, और BRC तक CRC के माध्यम से ही आंकड़े आते हैं, लेकिन BRC पर उनका समेकन होता है और प्रखंड स्तरीय जो स्कूली शिक्षा का स्वरूप है वो निर्धारित किया जा सकता है। प्रखंड संसाधन केंद्र में सेवाकालीन प्रशिक्षण नियमित रूप से चलते रहते हैं, यह BRC की एक बड़ी भूमिका है कि कोई भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कहाँ चले, इस प्रश्न का पहला उत्तर होता है BRC। तो BRC में हमारे शिक्षकों के लिए जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, जो विषय आधारित हो सकते हैं, उत्प्रेरण से संबंधित हो सकते हैं, नई योजनाओं से संबंधित हो सकते हैं, जो नए शैक्षिक विचार हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं, तो इनका आवासीय आयोजन BRC पर होता है। और BRC की भवन की संरचना ऐसी है कि वहाँ 40 लोग रात्रि विश्राम कर सकें और बैठने के लिए ऐसा कमरा हो कि आमने सामने बैठकर चर्चा कर सकें और एक माहौल, मतलब संवाद का एक माहौल बना सकें। देश के बहुत से ऐसे BRC हैं जो BRC स्तर पर कई तरह की पत्रिकाएं और शोध का काम अपने स्तर से करते हैं। अब DLED के जो दूरस्थ माध्यम से या NIUS के माध्यम से जो
अभी डीएलएड का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, जिन लोगों ने नामांकन कराया है, उनके लिए भी बीआरसी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई तरह की जो सामग्री उनकी सहायक सामग्री होगी यह वहाँ उपलब्ध हो सकती है, कई तरह की चर्चाएं वहाँ आयोजित की जा सकती हैं, और इन प्रखंड इस प्रखंड स्तरीय संस्था को यदि चाहा जाए तो एक जीवंत संवाद का ऐसा केंद्र बनाया जा सकता है कि शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में उठने वाली जो शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हम वहाँ कर सकें। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बीआरसी महज आंकड़ा जमा करने वाला एक वाली एक संस्था नहीं है। बीआरसी एक शैक्षिक संस्था है, एक अकादमिक संस्था है, जो अपने प्रखंड स्तर पर अपने विद्यालयों को मजबूत अकादमिक अनुसमर्थन देने के लिए, मजबूत अकादमिक अनुसमर्थन देने का अर्थ यह है कि हमारे स्कूलों को जिस तरह की सहायता चाहिए वो सहायता हम दें। कई बार होता यह है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हम अपनी शर्तों पर विद्यालय को बदलना चाहते हैं, लेकिन प्रखंड विद्यालय की मांग और विद्यालय की शर्तों पर विद्यालय की मदद करने में सक्षम संस्था है। जबकि बड़े स्तर पर जो संस्थाएं हैं, एक तरह से उनकी समस्या भी है कि वहां जाकर देख पाना मुश्किल है, या देखेंगे भी तो सैंपल के आधार पर देख पाएंगे, और बीआरसी को यह सुविधा है कि वो अपने स्कूलों को देख ले, उसकी समस्याओं का दोनों ही स्तर पर समाधान करे, शिक्षाई स्तर पर भी और संरचनात्मक, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक, अकादमिक और प्रशासनिक या संरचनात्मक, उसमें भी पहल करके बीआरसी हमारे स्कूलों को आगे बढ़ने में या उनके शैक्षिक उन्नयन में मददगार सिद्ध हो सकता है। यहाँ अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मध्यान्ह भोजन है, उसकी मॉनिटरिंग का की जिम्मेवारी भी बीआरसी को है, और यह अपेक्षा की जाती है कि हर बीआरसी प्रखंड स्तर पर कम से कम प्रखंड स्तरीय ऐसे शैक्षिक सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करे जिसमें उस प्रखंड के सभी विद्यालय भागीदार हो सकें, भाग ले सकें, और बच्चों को सिर्फ कक्षाओं में नहीं कक्षाओं के बाहर भी सीखने का मौका मिले। तो यह इनका एक बड़ा काम है। विभिन्न तरह के जो गैर सरकारी संगठन हैं, बीआरसी उनके साथ भी काम कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यह एक विशुद्ध सरकारी संगठन है और यह सरकार के अतिरिक्त और किसी के साथ काम नहीं कर सकता। बीआरसी यदि इस तरह की कार्य योजना बनाता है, कोई भी बीआरसी, कि वह किसी गैर सरकारी संगठन के साथ या स्वयं सहायता समूह के साथ या स्थानीय किसी संगठन के साथ मिलके वहाँ के किसी विद्यालय में या वहाँ के कुछ विद्यालयों में या वहाँ के सभी विद्यालयों में कोई गतिविधि चलाना चाहता है तो इस पर कोई रोक नहीं है। यानी बीआरसी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी है और उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता भी है। निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय है इस मामले में कि वो विद्यालय की आवश्यकता, शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप एकेडमिक सपोर्ट के लिए वो किसी भी गैर सरकारी संगठन से भी मदद ले सकता है, उनके कार्यक्रम आयोजित करा सकता है। अब हम अगली कड़ी में जो हमारे संकुल संसाधन केंद्र हैं उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि संकुल संसाधन केंद्र किस तरह फंक्शनिंग कर रहे हैं, ये क्या है, इनकी क्या भूमिका है जी स्कूली शिक्षा में। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो जो सबसे छोटी इकाई है हमारी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, यह पूरी संरचना जिसे प्रभावित करना चाहती है या जो हमारी चिंता के केंद्र में है वो हमारे स्कूल हैं। हम परिवर्तन कहाँ देखना चाहते हैं, ये पूरी कवायद जो है राष्ट्रीय, राजकीय और जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, वो इसलिए है कि हमारे स्कूल बेहतर हों, प्रभावकारी हों। तो स्कूलों से ऊपर उठने के बाद जो पहला संगठन दिखाई देता है हम लोगों को, वह संकुल संसाधन केंद्र है, जो 8 या 10 स्कूलों को मिलाकर बनाया जाता है। यह अवधारणा भी वैसे तो बिहार शिक्षा परियोजना और लोक जुम्बिस की देन है, लेकिन इसको ज़्यादा मजबूती मिली जब DPEP अस्तित्व में आया और कई राज्यों में चलने लगा। तो संकल्पना यह थी कि 8 या 10 स्कूल जो एक परिवेश में, एक आसपास में रहते हैं, इनको एक साथ मिला के, एक साथ जोड़ के एक संकुल बनाया जाए और वो संकुल इन 8-10 स्कूलों की चिंता करे। अब थोड़ा और छोटा होता है रूप, मतलब एक विद्यालय 8-10, अब एक जैसे विद्यालय मिले और उनको मिला के एक संकुल बना लिया गया। ये संकुल क्यों बना लिया गया, ताकि इन संकुलों पर और भी साफ ढंग से हम अपने स्कूलों को देख सकें।
स्कूल कोई चिन्ह नहीं रहे, आवृत्ति का चिन्ह न हो जाए, उसकी अपनी पहचान कायम रहे, इसलिए संकुल संसाधन केंद्रों को स्थापित किया गया। और संकुल संसाधन केंद्र जो 8 से 10 स्कूलों को मिलाकर बनते हैं, वहाँ एक संकुल केंद्र समन्वयक की व्यवस्था की गई है। अलग अलग राज्यों में इसका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन यह हमारे शिक्षकों के बीच से ही कोई होता है। आमतौर पर जो शिक्षक अपनी सेवा देना चाहते हैं, कई बार तो उनका चयन किया जाता है, और नहीं तो कुछ नियम निर्धारित करके उनका चयन किया जाता है, जो लोग इन 8-10 स्कूलों को एक नेतृत्व दे सकें, एक अकादमिक नेतृत्व दे सकें। तो एक तरह से CRC भी अपने इन 8-10 स्कूलों के साथ ठीक वैसे ही काम करता है जैसे BRC अपने पूरे प्रखंड के स्कूलों के लिए काम करता है। CRC जो महत्वपूर्ण काम करता है वो है शिक्षक संवाद का, जिसके अवसर मिलते हैं हमारे CRC केंद्रों पर। अभी तक की जो स्थिति है या जो निर्धारण है वो ये है कि सभी विद्यालयों के शिक्षक, 8 या 10 विद्यालयों के शिक्षक एक दिन जमा हों और शिक्षाई बातचीत करें। पहले तो मुझे याद है जो हम लोगों ने देखा है CRC को कुछ राज्यों में, तो वहाँ पहले वो लोग एक चयन कर लेते थे किसी विषय का और उसका मानक, उसकी मानकीकृत प्रस्तुति करते थे कि ये मॉडल लेसन है, तो उस मॉडल लेसन पर फिर बड़ी चर्चा होती थी, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषयों को पढ़ाने में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उस पर चर्चा होती थी कि भाई आपने इसको इस तरह से क्यों पढ़ाया, इस तरह से पढ़ाएं, तो कई विचार आते थे। तो यह एक ऐसा केंद्र था जहाँ शिक्षक, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र की भाषा में अपने समवयस्कों के साथ सीखना कहते हैं, ये जो 3 अलग अलग स्तर है, एक ही व्यक्ति जो अपनी तमाम झिझक छोड़कर संकुल संसाधन केंद्र पर मुखर रहता है, वही व्यक्ति CRT तक आते आते अपनी नासमझी बचा ले जाने की कोशिश करता है। तो यह वह केंद्र है जहां आपको अपनी नासमझियां व्यक्त करने में कोई लोक लाज नहीं आता है और आप अपने समवयस्कों के साथ मिलकर सीखते रहते हैं, क्योंकि हम सब जो शिक्षित लोग हैं ये जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए अपनी नासमझियों को व्यक्त करना या यह स्वीकार करना कि अमुक बात हम नहीं समझ रहे। जैसे आमतौर पर जब दो पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हों तो देखिएगा, सामने वाले को यदि एक दूसरे की बात नहीं भी समझ में आ रही है तो वो मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आँख में आँख डाल के आप देखेंगे तो उनकी आँखें बहुत साफ कहती रहती हैं कि नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में यह जो केंद्र है, यह एक तरह से नासमझियों के दूर करने का सबसे सटीक स्थान है, क्योंकि यहाँ आप उस तरह की झिझक से मुक्त होते हैं, सब आपके जैसे हैं, सब अपने हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं। तो CRC का जो संकुल स्तरीय जो यह केंद्र है, यह शिक्षकों के आपसी सीखने का बेहतर अवसर देता है, जिसका उपयोग हमारे NIOS से जुड़े हुए DL.ED के प्रशिक्षु अच्छी तरह कर सकते हैं कि उनकी पाठ्य सामग्रियों में यदि ऐसी कुछ अवधारणाएं हैं जिस पर उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि CRC बहुत ही अच्छी जगह है जहां इस तरह की चर्चा वो कर सकते हैं, निश्चित रूप से और अभी भी उसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी समस्याओं को ले जा करके। और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि CRC आप देखें कि आसानी से पहुँच में उपलब्ध, और आप ही से जो मिलने जुलने वाले शिक्षक हैं, भाई एक ही परिधि के हैं, नज़दीक के हैं, आपका आना जाना निकलना उनसे हो रहा है, उनके साथ आसानी से संवाद आप स्थापित कर पाते हैं, अपनी समस्याओं को बेझिझक कह पाते हैं। और जब आप समूह में चर्चा करते हैं तो समस्या का समाधान आसानी से निकल पाता है, और इससे बड़ा जो है थोड़ा उसका स्वरूप, जिसको आपने कहा BRC है, वहाँ बैठ करके भी आप चर्चा कर सकते हैं, वहाँ आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज की बात है, रिसोर्सेज कैसे टीचर्स तक पहुंचाएं, भारत सरकार ने अलग अलग ही चरण काल में उसको लाया, लेकिन लेकिन एक पूरा अब विकेंद्रीकरण स्पष्ट रूप से दिखता है कि कैसे केंद्रीय स्तर से आपके इस विद्यालय के ठीक बगल तक पहुंचा और वो सक्रिय है और उसमें सहभागिता दिख रही है शिक्षकों की, बिल्कुल। ये संस्थाएं, अच्छा आपने चर्चा की, अब एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि इन 3 संस्थाओं का आपस में समन्वय किस तरह से होता है।
इन ये तो हमने स्पष्ट रूप से समझा कि एक शिक्षक कैसे पहुंचता है, वो शिक्षकों को कैसे सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का आपस में समन्वय, ये तीनों दरअसल संस्थाएं एक तरह से जिसको टू वे ट्रैफिक वाली सड़क हम कहते हैं वो हैं। दोनों का आपसी रिश्ता इतना बढ़िया और अच्छा है कि अलग अलग करके यदि इन संस्थाओं को देखा जाए तो इनके अस्तित्व पर उतना प्रभावकारी अस्तित्व इनका नहीं दिखाई देगा। जैसे जो संकुल संसाधन केंद्र है वह वास्तव में आप आंकड़ों की ही बात ले लें, सबसे शुद्ध आंकड़े आपको कहाँ मिलेंगे, स्कूल से छन कर आए हुए आई हुई पहली जगह है संकुल सीआरसी। तो सीआरसी पर आपको ये आंकड़े, आप एक शोधार्थी की हैसियत से देखिए तो सबसे बेहतर और अच्छे आंकड़े आपको संकुल पर मिल जाएंगे। संकुल से चल के ये प्रखंड पहुंचते हैं, प्रखंड से जिला जाते हैं, जिला से राज्य और राज्य से फिर केंद्र तक पहुंचते हैं। तो एक तो एक रास्ता यह है, यदि एनसीईआरटी ने या भारत सरकार ने या राज्य की सरकारों ने कोई निर्णय लिया तो फिर वैसे ही इन संस्थाओं के माध्यम से एनसीईआरटी से एससीईआरटी, एससीईआरटी से डायट, डायट से फिर बीआरसी, बीआरसी से सीआरटीसी तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं। जैसे अभी लर्निंग आउटकम की चर्चा एनसीईआरटी कर रहा है, लर्निंग आउटकम की चर्चा अभी राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक पहुंची है, अब जब इनको नीचे ले जाना होगा तो फिर बीआरसी सीआरसी से होते हुए ही आप स्कूलों तक पहुंच पाएंगे। चाह कर भी राज्य एससीईआरटी या डायट हर स्कूल में नहीं पहुंच सकता, इसलिए यह जो जिसको लिंकेज कहते हैं, यह जो आपसी रिश्ता कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। उसको आजकल की जो प्रचलित भाषा में कहें कि एक बहुत अच्छा नेटवर्क नेटवर्क है बिल्कुल, जिससे समस्या की मूल जड़ तक पहुंचा जा सकता है और वो जो प्रथम सूचना है प्राप्त करके उसके समाधान के लिए एक बेहतर योजना बनाई जा सकती है, चाहे योजना वो सीआरसी स्तर पे बने, चाहे योजना बीआरसी स्तर पे बने, चाहे हमारे डाइट पे बने या सीआरटी पे बने या केंद्र स्तर पे बने। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एक्टिव और फंक्शनल फॉर्म है। लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये संस्थाएं महज आंकड़ों के संकलन के लिए नहीं बनाई गई हैं। निश्चित रूप से इन संस्थाओं का एकमात्र कार्य आंकड़ों का संकलन करना नहीं है। यदि सीआरसी ने कुछ आंकड़े संकलित किए तो सिर्फ बीआरसी में भेजने के लिए नहीं किए, अपने समझने के लिए किए हैं। तो आंकड़े भेजें आप बीआरसी को जरूर, या बीआरसी ने किए तो सिर्फ डायट या जिला को भेजने के लिए नहीं किए, जिला ने सिर्फ एससीईआरटी को भेजने के लिए नहीं किए। ये आंकड़े आपको भी कुछ सीख दें, आप भी उन आंकड़ों से कुछ सीखिए, तब मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यों का भी प्रतिफल दिखाई देगा और वो दिन आना चाहिए बीआरसी सीआरसी और डायट में जहां हम यह भी कर सकें कि हमारी जो स्थानीय समस्या या जिसको हमने जमा किया है हम उससे सीखें कि ये जो जमा करके भेज रहे हैं हम आगे की तरफ उसका हमारे लिए क्या महत्व, हमारे लिए क्या महत्व। और जो एक संवाद है चुप्पी की संस्कृति को तोड़ने के लिए के, उसमें संकुल संसाधन केंद्र अहम भूमिका अदा कर सकता है। और एक दिन हो, दो दिन हो, जो बड़े सीआरसी हैं वहाँ दो दिन हम बैठते हैं, प्रखंड में भी हम बैठते हैं, प्रखंड में आमतौर पर प्रधानाध्यापक आते हैं लेकिन प्रधानाध्यापकों के माध्यम से ही प्रखंड जुड़ा रहता है इन स्कूलों के साथ। तो इन तीनों नहीं बल्कि कि केंद्र से लेके और स्कूल तक का जो एक पूरा आपने जो नेटवर्क कहा, वह जो नेटवर्क है तो वह शिक्षाई रूप से अपने कार्यों को अंजाम देने लगे, काम करने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी विद्यालय के शिक्षक को यह समझाने में आपको परेशानी होगी कि परीक्षा में लचीलापन क्यों लाना है या ज्ञान को बाहरी दुनिया से क्यों जोड़ना है। निश्चित रूप से आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि ये हमारी संस्थाएं डाइट, बीआरसी, सीआरसी किस तरह अस्तित्व में आईं और किस तरह उन्होंने कार्य करना शुरू किया और आज उनके कार्य किस रूप में हम उपलब्धियों में की ओर ले गए हमें, हमारे शिक्षार्थी भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए, स्पष्ट रूप से समझ पाए कि उनकी क्या भूमिका है सीआरसी में और सीआरसी से वो किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं, इसको भी वो भविष्य में तलाश सकते हैं। बिल्कुल, आज की इस परिचर्चा में आपके इस ज्ञानवर्धक सत्र के लिए डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा में तथ्यों को रखा, समझाया। धन्यवाद।